15 तक लिखा है हमने। अच्छा 21 बताए थे ना, 28 28 तो मैं 15 तक लिखा है, बता रहा हूँ भैया, 5 नहीं लिखे हैं, 5 नहीं लिखे, ठीक है बता देता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौघ्नक्तु सहवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समाधि साधन संपन्न, और नीचे जो है वो 5 है, और 16 15 तो हो गया उनका, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 12 14 13 नहीं होता, 13 जो है वो पहला लाइन जो है आत्मनः प्रतीयमानस्यापि, वो प्रथम लाइन ही जो है वो 13 है, 14 जो है उसका अगला 15 नेमिया हो, 15 नेमी वो सब जो है उसके बाद जो आगे जो भी पंक्ति है अभी जो देखने वाले पंक्ति वो ले लीजिए 16, मतलब द्वितीय है उसमें द्वितीय जो आ रहा है वही 16 है, ठीक है। नीचे द्वितीय लेफ्ट साइड में ही आ रहा है, देखिए पहला शब्द ही देखिए लेफ्ट में, पहला जो है द्वितीय है यहाँ बीच में, बीचों बीच यहाँ, अच्छा नीचे आ गया, ठीक हाँ। और 17 जो है उससे नीचे यत्रा जो है मोटा अक्षर उसको 17 है, और 18 जो है अगला पढ़ने में, अगला पढ़ने में एक कस्य एव द्वितीय पंक्ति 18 है वो। पांच जो है बहुत ही मुख्य था वो छोड़ दिया नहीं, समाधि साधना संपन्न संपन्नः सन् सर्वात्मानं पश्येदिति, तो अधिकारित्व को बता रहे हैं, वैसा होते ही जो है समझ में आएगा। आज जो है राम नरेश जी आके कमरे में बता रहे थे, ये तो नहीं हो रहा है, कि कितने बार सुनने के बाद भी नहीं होता है, तो कितने बार सुनते हैं कैसा सुनते है। और इन्होंने जो है कोई भागवत का कहानी भी, गोकर्ण का कहानी भी लेके आके बता दी है, तो इतना लोग सुन रहे थे मगर वो एक ही को जो है पुष्प भगवान कैसा आ रहा है, तो बात कितने बार सुने हैं बात नहीं है, कितने देर सुने हैं वो भी बात नहीं, कितने ध्यान से पत्ता से सुने ही ध्यान वही मुख्य है, कितने ध्यान से हम लोग सुनते हैं वही मुख्य है। तो क्योंकि ये जो इंटरनेट में जो यूट्यूब में जो क्लास ले रहे हैं ना, तो मैं भी वहाँ यूट्यूब में लेता हूँ, ये यूट्यूब को छोड़ के दूसरा भी व्यवस्था है, जो आप अभी ये लोग जो है मुझे सिर्फ देख सकते हैं, मैं उनको देख नहीं पाऊँगा, तो ये जो WhatsApp रखे हैं आप, WhatsApp में वीडियो कॉल करते हैं ना, वीडियो कॉल में जो है 10 लोगों को 50 लोगों तक जो है ले सकते हैं, WhatsApp में ही पाठ पढ़ा सकते हैं, तो वैसा ही जो है बहुत से है, स्काइप है, जूम है, गूगल का चैट है, मीट है, बहुत से है दुनिया भर का, तो वो सब मैं नहीं ले रहा हूँ, ये यूट्यूब ही ले रहा हूँ। क्यों? हम जो है जब प्रश्न कुछ है तो पूछ सकते हैं, तो उस स्काइप में वो सब सही बात है, वहाँ स्काइप में जो है 10 लोग या कुछ भी वहाँ बैठे हैं, बैठे नहीं कहूँगा मैं 10 लोग जो है सुन रहे हैं, तो एक जो है पैर को ऊपर रख के, चार के ऊपर रख के ऐसा सुनते बैठेगा, है ना, मुझे पैर दिखाई देगा उसका, और दूसरा क्या है वो कोई अपना घर में बैठा है, वो अपना घर में बैठा है, तो दूसरा जो है अच्छा करके दम मार के जो है वहाँ बैठेगा, तो दूसरा लेट के जो है सुनेगा ये सब, और कपड़ा कौन सा क्या पहना है ये सब मुझे देखने का ज़रूरत नहीं है, वो झंझट नहीं है, इसलिए जो है साधन संपन्न का जो है वो मुख्य है। अधिकारी के बारे में जब बात किए थे, हाँ अधिकारी तो मुख्य क्या बताए थे वहाँ पर, श्रद्धा संपन्न, श्रद्धा मुख्य है, अभी जो सुनने वाला विषय में आपको श्रद्धा ही नहीं है तब क्या सुनेंगे आप, उसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो इसलिए पांचवा बहुत मुख्य है, ये बात तात्पर्य था बस उतना ही, ठीक है। तो
यस्तु सर्वाणी, इसलिए मैं भी बता रहा था क्या है, मैं जब शास्त्र को पढ़ने लगा बाकी सबको हटा दिया, शास्त्र मात्र, वो समर्पण नहीं है तो बहुत मुश्किल है। यस्तु अभी जो है 16वां जो वो प्रारंभ करना है, हम लोग देखे थे नेमियारा इत्यादि को जो देख चुके हैं कौशिक उपनिषद से। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति तत्येजति तन्नेजति इति मंत्रद्वयम् ईशावास्य गतम् उदाहृतम् तत्र आद्यो मंत्रः स्पष्टार्थः। तो यहाँ पर यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, जो सब भूतों को जो है आत्मा में ही देखता है, ये बात वहाँ पर, और तत्येजति तन्नेजति, ये जो है भेद विषय, दो भिन्न विषय जो है उसी में बताते हैं। तो ये दोनों का जो है तात्पर्य क्या है, मंत्र द्वयम् ईशावास्य गतम्, ये दोनों मंत्र क्या है, ईशावास्य में आया हुआ है। तत्र आद्यो मंत्र है स्पष्टार्थ है, उसमें पहला मंत्र क्या है, स्पष्ट स्पष्टता के लिए है। तो द्वितीय है, यहाँ पर ये माइक चालू है क्या, इतना क्योंकि कल जो आवाज़ आया था वो आवाज़ मुझे नहीं आ रहा है, अभी इसको बंद करके मैं बात कर रहा हूँ तो उतना ही आवाज़ आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो दोनों मंत्र उदाहरण किए हैं, तत्र आद्यो मंत्र है स्पष्टार्थ है, उसमें पहला मंत्र क्या है, स्पष्टार्थ है, मतलब स्पष्ट के लिए नहीं है, स्पष्टो अर्थ है, इसका जो है विषय कोई बताने का जरूरत नहीं है, ये जो स्पष्ट है। तो तद एजति एक थोड़ा काम देने वाला है, तो इसलिए कि द्वितीय है, उसको स्पष्ट ले रहे हैं। द्वितीय क्या है, जो एजति और तन न एजति, एजति और न एजति, एजर कंपनी धातु है, तो उसको लेके बता रहे हैं। पर उपाधि निबंधनम चलनादि प्रतिभानम स्वतस्तु निर्विकार शुद्ध एव आत्मा इति दर्शयितुम इत्यर्थ है। ये जो चलन, मतलब वो चलता भी है और नहीं भी चलता है, कैसा हो सकता है, दोनों एक ही में कैसा हो सकता है, तब कह रहे हैं वो वैसा नहीं है। वो क्या है, ये जो चलन आदि जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, पर उपाधि निबंधनम, जो भी उपाधि के साथ संबंध है उस उपाधि के कारण होने वाला है, उपाधि रहित जो है उसमें बिल्कुल नहीं है। स्वतस्तु निर्विकार है, क्यों, आत्मा जो है स्वतः निर्विकार स्वरूप है। शुद्ध एव आत्मा इति दर्शित, निर्विकार है शुद्ध एव आत्मा इति दर्शयितुम इत्यर्थ है। आत्मा जो है स्वतः अपने स्वरूप में जो है निर्विकार है, और उपाधि संबंध में ये चलनादि व्यवहार है, ठीक है, दर्शयितुम इत्यर्थ है। और आगे जो है मंत्र, दो तीन मंत्र को यहाँ पर जो है लेके दे रहे थे, बताया था हमने। तो वे नस्तत्पश्यन् विश्वा भवनानि विश्वान्यन्य विश्वान्यत्र विश्वं भवति एकं नीडम्। वेनस्तत्पश्यन् विश्वा भवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भवति एकं नीडम्। वेनः तत्पश्यन्, वेनः तत्पश्यन्, वेनः तात्पर्य क्या है, वेनः सामान्य जो है वो यहाँ पर सब जगह पे जो ज्ञानी को ज्ञानी ही देख रहा है, वो ज्ञानी ही देख रहा है इस अर्थ में जो बता रहे के हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है ज्ञानी को ही ले लेंगे, वो जो ज्ञान प्राप्त कर दिए है, जो इसको इस ब्रह्मात्मा दर्शन को प्राप्त कर दिए है वह है, उसी अर्थ में ले लेंगे, क्योंकि वेन का जो है अर्थ एकदम विलक्षण है, तो उसको बता रहे हैं बाद में। तो दो अर्थ बता रहे हैं वहाँ पर, विनते धातु में जो है कांति कर्मण को भी ले रहे हैं, और संभजनीय अर्थ वा गति के अंदर नहीं ले रहे, तो यहाँ पर दो अर्थ ले रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, मतलब धातु ना अनेक अर्थ, तो इसी में जो है एक कांति अर्थ का ही जो है छोड़ के दूसरा कुछ भी अर्थ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही जो है संस्कृत में और बाकी जो है भाषाओं में अलग भेद है। संस्कृत में क्या है, एक शब्द जो प्रयोग कर रहे, जिस शब्द जहाँ पर प्रयोग कर रहे उसका अनुसार तात्पर्य निकाल सकते हैं, तात्पर्य निकाल सकते हैं। अभी बताया था मैंने वेनः, मतलब वेनः आप समझ लीजिए ज्ञानी, कोई दोष नहीं है वहाँ पर,
ज्ञान या तो सिर्फ पूरा गट जाता है। क्यों? वेन है तत्पश्चन, वो जो वेन है विद्वान ज्ञानी, वो जो है सामान्य बताते हैं वेद वेन भवती, मगर विद्वान ज्ञानी का शब्द जो है वेन का तात्पर्य नहीं है। तो उसमें जो है आगे जाके दो अर्थ वही बता रहे हैं, वा गति गंधनयोः से ले सकते हैं बोल के, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो क्या है धातु नाम अनेकार्थत्वात्, ये जो है व्याकरण का नियम है। तो वहाँ पर जो 2000 धातु है, हम लोगों का खेल पूरा कितना है 2000 धातु से, उतना ही है। 2000 धातु कंठस्थ हो गया तो संस्कृत भाषा कंठस्थ हो जाएगा, ये तात्पर्य है, नहीं है। 2000 धातु को आप समझने के पश्चात भी जो है एक सिंपल भू धातु, भू धातु का क्या तात्पर्य, भू सत्तायाम, पहला धातु ही जो है भू सत्तायाम कह देते हैं, मत वो सत्ता अर्थ में ही लेने का जरूरत नहीं है। मुझे जो है दूसरा कोई तात्पर्य वहां सिद्ध करना है तो मैं उसको भू का जो है दूसरा अर्थ में भी निकाल के सिद्ध कर सकता हूँ, हो सकता है, कोई दोष नहीं है वहाँ पर। क्यों धातु ना मने करते, इसलिए कभी ये जो व्हाट्सअप वाला जो यूनिवर्सिटी है वो उसमें से हमेशा जो है ये लोग जो पढ़े हैं उसमें यूनिवर्सिटी में वो लोग हमेशा कुछ बेचते रहते। नासा जो है पता चला दिया कि व्याकरण ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये जो हम लोगों का जो ज्ञान है वो स्वतः है, तो परता ये जो कंप्यूटर में सब सेलफोन में अपने आप सोचने लग रहा है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। तो उसके लिए बिल्कुल बढ़िया से भाषा जो है संस्कृत है। क्यों संस्कृत? क्योंकि यहाँ पर सब जो है आपका कहाँ पर वो कौन सा विभक्ति किस प्रकार का होना चाहिए वो सब तय है। मतलब जहाँ पर क्रियापद होना चाहिए, जहाँ पर अन्य पद होना चाहिए, ये तय है। पहला क्रियापद नहीं आ सकता है भाषा में, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई भेद नहीं है, विशेषण पहला विशेष बाद में, नहीं नहीं विशेष पहला विशेषण बाद में, ऐसा जो है तय होता है बाकी भाषाओं में, मगर व्याकरण संस्कृत में जो है ऐसा कोई तय नहीं है। आप विशेषण को यहाँ छोड़ दो, अंतिम में तीन पन्ने के पश्चात जो है विशेष को जोड़ो, यहाँ से उसको संबंध करके अन्वय करके समझना पड़ता है ना। तो ये जो है ये लोग कहते हैं इसलिए जो है ये बढ़िया सा भाषा है। तो मैं कहता हूँ एकदम बेकार बकवास है ये, संस्कृत जैसा जो है बकवास भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हो ही नहीं सकता है। वो अपना जो बुद्धि से ही जो है संस्कृत को समझ सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। बाकी कोई भी भाषा भी जो है, इसको अंग्रेजी में कर रहा हूँ, अंग्रेजी से जो है उस दिन समझाया था हमने, कॉपी करके डाल दिया, तुरंत भाषांतरित कर देता है। तुरंत आपका सेलफोन से जो है आप बोलेंगे तो दुकान कहाँ है, तो अंग्रेजी में तुरंत बोल देता है, कोई चिंता नहीं उसको, कोई उस सोचने का भी जरूरत नहीं है तुरंत। मगर संस्कृत का विषय में ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? वहाँ पर जो शब्द है उसका वैसा ही अर्थ वहाँ पर जो सामान्य लेते वैसा नहीं है। तो ये क्या तर्क देते हैं? ऐसा नहीं है, प्राय जो शब्द अर्थ आप निकालते हैं उस अर्थ को, यदि जो है भू को शिवजी अर्थ में जो है आप सिद्ध करने के लिए 10 लोग प्रवृत्त हो गया तो वो अर्थ भी हम ले लेंगे। तो मूर्ख उसके लिए जो है संस्कृत का ही जरूरत में क्या है, संस्कृत का ही जरूरत क्या है? दो सिनेमा, एक जो है बहुत पहले जो है आया था गॉड मस्ट बी क्रेसी करके, उस सिनेमा में जो है एक दक्षिण अफ्रीका में जो है कोई एक बॉटल गिरा के, उस समय जो है वो कोक वाला बॉटल होता है, अभी कोक फैंटा इत्यादि जो है बॉटल में आता है ना, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स प्लास्टिक बॉटल में आता है, पहले जो है कांच का बॉटल में आता था, है ना। तो पी के जो है फ्लाइट से ऊपर से फेंक के चले जाता है, वो किसी का सिर में गिरता है और वो जो है बड़ा बवाल मच गया, वो हर एक जो है अपना काम में प्रयोग करने लग जाता है, क्योंकि ईश्वर ने दिया है, ये बात ईश्वर ने दिया है। तो उसमें लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, जो एकजुट थे उसमें जो है भेद होने लगा, इसलिए उसका जो उस घट का जो है जो मुख्य है, तो मुखिया क्या करता है, चलो मैं इसको जो है दुनिया का खोने में फेंक के आता हूँ बोल के उसको लेके और दुनिया का खोने में फेंकने के लिए निकल पड़ता है। वही कहानी है,
मगर क्या है कहाँ वो विषय बताने का नहीं है, वहाँ पर बात करते हैं आप कैसे है ए नहीं बात यही ऐसे ही बात करते हैं वो लोग। तो ये जो है उस वो कोई भाषा नहीं है वहाँ बनाए है। वैसा आजकल एक मूवी आया है बहुत फेमस सिनेमा आया है, क्या है बाहुबली, उसमें भी जो है एक 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 जंगली लोग जो है एक भाषा प्रयोग करते हैं, वो भाषा का जो है 200 शब्द का भाषा बनाया हुआ भाषा है, वो कुछ बेकार का जो है ऐसा करने से जो है वो बेकार का आवाज़ नहीं निकल रहा है, 200 शब्द का भाषा बनाए थे करने से जो है उसका तात्पर्य होना चाहिए, ऐसा करने से उसका तात्पर्य होना चाहिए करके जो है 200 शब्द का भाषा बनाए थे। मैं बोला जब सिनेमा के लिए 200 शब्द का भाषा बना सकते हैं तुम कंप्यूटर के लिए क्यों नहीं बना सकते हैं, वैसा बना लो जो जब जो अन्य भाषा में अच्छा विषय दिखाई दे रहा है उसको ले लो और उसको बनाओ एक भाषा, आसानी हो जाएगा आपको, क्योंकि कंप्यूटर में जो है ये बिल्कुल जचता नहीं है। एक ही शब्द अभी ये आज प्रातःकाल आके पूछ रहे थे तंत्र का क्या अर्थ लेंगे, वहाँ आगे जो है एक शब्द है तंत्र, तंत्र का क्या अर्थ लेंगे, क्योंकि तंत्र का अर्थ भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न हो जाता है। तंत्र तनु विस्तार से विस्तार रूप में हो जाता है, तंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र में जो है शास्त्र के प्रति आ जाता है, तंत्र तंत्री के जो है प्रयोग मंत्री का जो प्रयोग को तंत्र कहते हैं। ये भी कहा था मैंने केरल में जो एक प्रयोग भी है वो जो पूजा करने वाला जो है उसको क्या कहते हैं तंत्री कहते हैं, तंत्री कहते हैं उसको, है ना। तो पूजा करने वालों को तंत्री, और जो राजा का घर में रहता है उसको मंत्री कहते हैं, है ना। वहाँ पर एक प्रयोग है क्या है, जो तंत्र को जानता है उसको मंत्री कहते हैं और मंत्र को जानता है उसको तंत्री कहते हैं करके प्रयोग है। वैसा मतलब बात क्या है, तंत्र एक शब्द है छोटा सा शब्द उसके लिए इतना अर्थ है। तो ऐसा यहाँ पर भी क्या है भिन्न भिन्न अर्थ निकल जाता है। तो देना इसका जो है यहाँ पर गति गंधण योहो से ही लेना जरूरत नहीं, यहाँ पर दो शब्द दिए हैं उसी को ले लेंगे। क्या है वेनहा, वेनहा मतलब ज्ञानी है। तो तत्पश्यन उसको देखता, किसको देखता, वो परमात्मा को, विश्वा भुवनानि विद्वान, तब जो है वो सब जान लिया है, यद विश्वा भुवनानि सब भुवनानि पूर्ण भुवनानि विद्वान विश्वा भुवनानि उस अर्थ में ही ले लेंगे, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, उसको कैसा समझा है वो, क्योंकि ये पूरा जो है विश्व कहाँ पर है, एक नीडम एक जो है आधार पर है, उसको समझ लिया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, तो उस एक नीडम को समझ लिया, इसलिए भुवनानि विद्वान ये जो है विद्वान भुवनानि विश्व जान लिया, ऐसा तात्पर्य वहाँ से समझ सकते। तो इति मंत्रम तैत्रीयाः आमनन्ति, ऐसा जो है वाक्य ये मंत्र क्या है तैत्रीय शास्त्र में तैत्रीय उपनिषद तैत्रीय तैत्रीय आरण्य के अंतर्गत महानारायण उपनिषद में आया है, ठीक है। तो तस्य अर्थः, उसका अर्थ क्या है, यस्मिन् यत्र मतलब यस्मिन् जिसमें सर्वात्मके सर्वात्मके, यस्मिन् मतलब सर्वात्मके सर्व उपादाने, यस्मिन् मतलब वो जो है सर्वात्मक है सबका आत्मा है और सबका आधारभूत उपादान कारण है, पूर्वोत्तर मंत्र निर्दिष्टे, मतलब अब भी आपको संशय है तो अभी पहले और आगे जो मंत्र में बताए हैं वही वस्तुनि वही विषय में क्या है, विश्वम समस्तम एक नीडम भवति, मतलब ये विश्व पूरा क्या है एक नीड रूप में, वो एक ही नीडम एकम एव नीडम यस्य, वैसा जो है वो एक ही नीड है आधार है। तो नीडम मतलब घर, तो एक आयतनम वर्तते, एक नीडम को समझ में नहीं आता, एक आयनम एक आयनम, तो एक आयनम वो एक ही आयन है जो ये पूरा जगत रहता है, तद एव विश्वा भुवनानि सर्वाणि भुवनानि न तदा पृथक, वही क्या है सब कुछ है, मतलब जिसमें वो रहता है ये सब वही ये सब कुछ है, क्योंकि उपादान वही है उससे भिन्न तो नहीं हो सकते कार्य, इसलिए वही ये सब है, न ततः पृथक किमपि अस्ति इति पश्यन्, मतलब इससे भिन्न इसको जान लिया है और उसी उसके कारण उसमें जो भी है उसको पूरा जान लिया है, कैसा जाना है ये मुख्य है,
बार बार कह के आता हूँ, सर्वात्म भाव सर्वात्म भाव। बेकार का जो है सर्वात्म भाव में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है सबको जान लिया। कस्मिन अनुभव विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवति। और यहाँ पर भी आगे जो मंत्र आता है वो सबको जान लिया, ये सब सर्वात्म भाव अहम मनोर्भवम सूर्यस्य, ये सब बिल्कुल बेकार की बात है, ये बड़े होगा ही नहीं है। इसका जो इच्छा है तो ये बिल्कुल बेकार की बात है, ये होगा ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा को छोड़ के दूसरा कुछ भी यहां पर नहीं है। आत्मा को छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं है, जानने योग्य देखने योग्य जो देख सकते हैं अपने से भिन्न। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, एक अयनम न तथा पृथक किमपि अस्ति। तो इसलिए वो एक नीडम सब जो है बात ही नहीं है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, वो दिमाग में एकदम बिठा देना चाहिए। क्यों, ये सबको जानने का जो इच्छा है, सब विषय को जो जानने का इच्छा है, वो जो है मतलब ये जो मंत्र तंत्र प्रयोग जैसा जो है वो एक कीचड़ा कचरा है, कीचड़ है, अंदर जो है बैठ के निकलता नहीं है। इसलिए पृथक किमपि न अस्ति, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इति पश्यन, कैसा देखा है वो, वहां पर पश्यन देख लिया है। देख लिया मतलब वो मिस्टिकल जो कहते हैं, मतलब जो परंपरागत नहीं है, वैसे अचानक बैठा है, ध्यान कर दिया है, वो हो गया है। क्योंकि लोग आते हैं वृंदावन में आके बैठ के ध्यान करते, एक एक घंटा मंदिर में बैठ के ध्यान करके और चले जाते हैं, और कुछ समय के बाद जो है महात्मा वहां पर है बोल के उनको मालूम होता है। ऐसा भी है, मतलब ये सब का क्या है, दिमाग हमारा शास्त्र का जो भी परंपरा है वो सब छूट गया है, उसका असर अब देख रहे हैं। सब लोग अपने आप को जो है बड़ा विद्वान, किसके पास जाने का जरूरत, किसी के पास जाने का जरूरत क्या है, हम जो है ध्यान कर रहे। ये एक और मूर्ख वाला बात है, क्या है, भगवान और भक्त में मेरे बीच में क्यों दूसरा के कोई, दूसरा कोई क्यों, ब्राह्मण को छोड़िए गुरु क्या क्या किसके लिए, मैं भगवान को ही गुरु मानता हूं, और भी बड़ी बात है, हाँ भगवान को ही गुरु मानता हूं। तो ये सब मूर्ख वाला बात जो है यहां पर बहुत प्रचलित है। इसलिए यहां पर कह रही है पश्यन, देखा, कैसा देखा, अगला शब्द बहुत मुख्य है, श्रुति आचार्य प्रसादात अनुभवन। श्रुति आचार्य प्रसादात, वहां पर भी प्रसादात, वो भी मुख्य शब्द है, प्रसादात उनका कृपा से अनुग्रह से, पहले देखे थे अनुग्रह शब्द, कृपा अनुग्रह, तो उनका अनुग्रह से मतलब ये देखा श्रुति और आचार्य। इसीलिए श्रुति और आचार्य का मतलब श्रद्धा का जो है अर्थ, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास है, जो कहते हैं वही है ये, वो श्रद्धा के अनुरोध क्या है जब हम लोग सुनते हैं। इसलिए यहां पर बाकी सबको जो मुख्य रूप में लिए नहीं है, विधिवत उपसन्नायो को मुख्य रूप लिया, क्यों, उसमें वो श्रद्धा है क्या, हाँ इसमें श्रद्धा है, उसको देख के जो उसको उपदेश करने लगे। इसलिए श्रुति आचार्य प्रसादात अनुभवन, श्रुति और आचार्य का प्रसाद से उसको अनुभव करके, ठीक है, अनुभव करके मतलब अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्ति करके, कौन, विद्वान, विद्वान मतलब ज्ञानी, किसको कहते हैं, वही उसी को वेनो भवति, विद्वान ज्ञानी को ही वेन कहते हैं। विद्वान ज्ञानी को वेन क्यों कहते हैं हम लोग, विद्वान ज्ञानी को वेन क्यों कहते हैं, तो वो वेन का तात्पर्य क्या है, वो कहते हैं वेन का तात्पर्य ज्ञानी सीधा सीधा नहीं है, विद्वान ज्ञानी को वेन कहते हैं, मर वेन का अर्थ ज्ञानी नहीं है। तो क्या है वेन का अर्थ, विनते है कांति कर्मण वनते है व संभजनी अर्थस्य, दो धातु ले लेते हैं, एक विनत दूसरा जो है वनत, इस प्रयोग में तो विनते ये अर्थ लिया तो कांति कर्म धातु है, तो कांति अर्थक, और वनति ये दिया तो संभजनीय मतलब कांति प्रकाश स्वरूप और संभजनीय, कांति उसमें है और वो पूजा योग्य है, इस दोनों तात्पर्य में क्या है, धातो हो इदम रूपम वेना, मतलब वेना मतलब क्या है, वेना कांतिमान संभजनीयो वा भवति, तो ये वेन मतलब क्या है, कांतिमान प्रकाशमान या तो संभजनीय है पूजनीय है। अरे उसको क्यों पूजना करना है, हाँ
वे इनको क्यों पूजन करना है, मेरे लिए तो ईश्वर है। तो तब कहते हैं पूजनीयो वा भवती, क्यों ईश्वर ये भवती थी, क्योंकि वो ईश्वर ही है साक्षात, उससे भिन्न नहीं है। ये जो है वहां पर मुख्य, इसलिए ज्ञानी जो है सामान्य अर्थ है, तात्पर्य निकाल के अर्थ है, मर वेन का शब्द क्या है, कांतिमान या पूजनीय संभजनीय। पुनरपि विदुषः सर्वात्मत्वे मंत्रद्वयं पठति, दोबारा मतलब यहां तो बता दिए है, वो पूरा जान लिया है, तो फिर भी जो है ये, इसलिए वहां पर वो जो है सर्वात्म भाव को जो है लेके एकात्म भाव कुछ भी नहीं होने वाला बोल के जोर से बताया, क्यों यहां पर दो मंत्र और भी ले रहे हैं। पुनः अपि विदुषः सर्वात्मत्वे, विद्वान जो है सर्वात्मा है, इसमें जो है मंत्रद्वयं पठति, दो मंत्र पढ़ाते हैं, दो मंत्र कहते हैं। तो क्या है, तदेव अग्निस्तद वायुः, वही जो है अग्नि है वही वायु है, ऐसा बहुत तुम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम के जो है वो गणपति के बारे में या जो है कोई ईश्वर के बारे में जो है कह देते, मतलब पूरा जो भी देवता है वो तुम ही है, वो परम ही है, वो सिद्ध करने के लिए बहुत से वाक्य है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तद एव अग्नि तद वायु, वही जो है अग्नि है वही वायु है, मतलब क्या है, इति इत्यादि एक है, ये जो है एक वाक्य, दो वाक्य जो बता रहा हूँ बोल के बताए थे उसमें एक वाक्य, अहम मनोरभव अहम सूर्यश्चैति वामदेव वाक्य रूपो पर अपरश्चैति, दूसरा क्या है वामदेव महाराज का जो है वाक्य है। तो यहाँ पर तद एव अग्नि, वही जो है अग्नि है वही वायु, मतलब वही अग्नि है वही वायु, वो अग्नि हो सकता है, अग्नि होगा तो वायु नहीं बन सकता है, वायु होता अग्नि नहीं है, या आगे भी जल भी लेंगे तब तो ये एक हो तो उसका भिन्न, क्योंकि हम अभी देखे थे शीत अग्निवत शीतोष्णवत कहके जो है तर्क दिए थे, एक है तो दूसरा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सब कुछ वही है, तो उसका तात्पर्य क्या है, मतलब भिन्न विरोध वस्तु वही है, विरोध वस्तु वही है, ये यहाँ पर हम लोगों को समझाने का अर्थ जो है दूसरा है, विरोधी जो वस्तु दो वस्तु वही है कहने का तात्पर्य क्या है वो समझ लेना चाहिए। मतलब ये ब्रह्म भी है, वो कुत्ता भी है, वो गाय भी है, ये बात नहीं है वहां पर, विरोध वस्तु कैसा जो है ये वही हो सकता है। तो यहां पर मुख्य विषय क्या है, या ये जो सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं है, हम लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी बताए थे और आगे भी बताएंगे, इसमें कोई तात्पर्य नहीं, ये भेद बिल्कुल है ही नहीं है। ये भेद बिल्कुल है ही नहीं है, ये जो है हम लोगों को बताएंगे आगे जो है स्पष्ट करेंगे। फिफ्टी वन पेज में टीका, 40 का टीका है ना, 1, 2, 3 तीसरा जो है इवा शब्द जो प्रयोग कर रखे, उस इवा शब्द का तात्पर्य बताते हैं, क्या है इवा शब्द है, अन्य दर्शनस्य आभासत्वं द्योतयति, इवा शब्द है अन्य दर्शनस्य आभासत्वं द्योतयति, दूसरा अर्थ दे रहे हैं, वो जरूरत नहीं हम लोगों को, मतलब मुख्य अर्थ क्या है, ये जो दिखाई पड़ रहा है अग्नि ही वायु ये सब आभास है, उसमें तथ्य कुछ नहीं है, और आभास को जो है मैं वो भी हूँ मैं ये भी हूँ कहने के लिए कोई जो कौन इच्छा करेगा, ये पागलपन है, इसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो है वो सर्वात्म भाव का जो है बहुत मतलब इच्छुक से कैसा है, मुझे अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, क्यों ब्रह्म ज्ञान तुझे नहीं हुआ है, कैसा तुझे मालूम है तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, अरे वो मनोरभव वो सब नहीं अनुभव हुआ ना, मतलब ये सब अनुभव का जो है अभाव हम लोगों का ब्रह्म ज्ञानी द्योतित कर देता है, घोषित कर देता है, मतलब ये सब का अनुभव अभाव हमें जो है अपना ब्रह्म अनुभव से प्रतिबंधित कर देता है, यही तात्पर्य यहाँ पर, ये पूरा अनुभव कर
कुछ भी नहीं है, वो दिमाग में अभी बैठा नहीं है, उसका तात्पर्य वही है। यहाँ भिन्न नहीं है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बैठा नहीं है, इसलिए ब्रह्म अनुभव हो नहीं रहा है। तो जब ये जो है बिल्कुल आत्मा को छोड़ के कुछ भी नहीं है, तब मतलब किसी को भाव देने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी भाव देने का विषय नहीं है, जब वो आता है तब जो है आप निवृत्त हो जाएंगे इस सब से। तो वही कह रहे हैं यहां पर, वो अग्नि वायु इत्यादि रूप में उसको देखेंगे, ये बात बिल्कुल नहीं है, आपको छोड़ के अग्नि वायु कुछ नहीं है। भाव देने का अर्थ क्या निकालेंगे? महत्व, महत्व। जब महत्व देते तभी जो है उसमें हाँ अच्छा वो चाहिए ये चाहिए होता है, तो वहां पर कोई महत्व की जरूरत नहीं है अपन। इत्यादि एक अहम मनोरभवम सूर्यश्च इति, अहम मनोरभवम सूर्यश्च, यहाँ पर भी यही तात्पर्य है। यहाँ पर भी जो है हम मनु अब सूर्य इत्यादि बिल्कुल नहीं बनते हैं, ये क्या है, आत्मा को छोड़ के पूर्व में जो बताए थे सर्विन आत्मन्येव अनुपश्यति यस्तु सर्वाणि भूतानि। हाँ नहीं वो नहीं है, मैं श्रुति का वाक्य देख रहा हूँ यहाँ पर, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, उसी का जो है आधार पर ये सब चला रहे हैं। तन्न एज तदेजति तन्न एजति, उसके पहले जो वाक्य था सेस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, जब सब भूतों को जो है आत्मा में ही देखता है, आत्मा से पृथक रूप से नहीं देखता है, उसका तात्पर्य। तो उसी में जो है दो और प्रमाण है बोल के दो और प्रमाण दे रहे, ये दो प्रमाण किस लिए है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, उसके लिए वामदेवः। ठीक है, तो अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम एकसन बहुधा विचचार इति तैत्रीय श्रुति, एकस्यैव अंतर्यामिनः बहुधा विचरणं संसार व्यवहारं वदन्ति जीवपरयोः अभेदं सूचयति इत्यर्थः। तो अंतःप्रविष्ट शास्तानां जनानां, नहीं मैंने बंद किया, यहाँ तक जो है आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, आवाज़ नहीं आ रहा है। आपको पढ़ रहा है? हाँ ठीक है, हाँ तब ठीक। नहीं मुझे जो मेरा आवाज़ जो है मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, 50 सिंड्रोम है मेरा, तो इसलिए जो है कम लग रहा था मुझे। हाँ ठीक, तब ठीक है, ठीक है, तब ठीक है। तो अंतः प्रविष्ट, हाँ अभी ठीक है। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम एक बहुधा विचचार, ये शास्ता शासिता ईशावास्यम जो बताए थे उसी शब्द से प्रयोग है ये भी। तो ये क्या है, जनानाम अंतः प्रविष्ट, कितना प्रवेश किया है, इतना लोग है, इतना शास्ता प्रवेश किया क्या, एक शास्ता अंतः प्रविष्ट जनानाम, एक ही शास्ता है। तो तब सन वैसा प्रवेश करते हुए क्या है, बहुधा विचचार, बहुत भिन्न प्रकार में जो है विचरण किए है। तो ये जो तैत्रीय श्रुति को भी लेके क्या कह रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या है, एकस्य एव अंतर्यामिनः, एकः शास्ता, उसका तात्पर्य क्या है, एकः अंतर्यामिनः, ठीक है। और बहुधा विचचार, बहुधा विचरणम मतलब क्या है, संसार व्यवहारम, ये सब कोई बात नहीं है, ये सब कोई बात नहीं है, ये एक ही आत्मा जो है ये सब में प्रवेश किया है, ये जो है हम लोग हजारों श्रुति देख चुके हैं, ये नया क्या है इसमें। अगला शब्द बदंती, बदंती कहते हैं, शास्त्र कहता है, हम कहते हैं, बस इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, वदंती शास्त्र को श्रुति यदि श्रुति वदती, ऐसा जो है नहीं कहे, वदंती ऐसा कहते हैं बस, इसमें कोई तात्पर्य मत ले लीजिए, मतलब कैसे क्या कहते हैं, दिल पे मत लो कहते हैं ना यहाँ पर, तो ऐसा दिल पे नहीं लेना है इसको, वदंती बस उतना ही है, कहता है बस, तात्पर्य नहीं है। जीव परयो हो अभेदम सूचयति, इसका तात्पर्य क्या है, तब ये जो भेद को सिद्ध करने का तात्पर्य तब क्या है, जीव परयो हो अभेदम सूचयति, यही तात्पर्य है, अभेद सिद्ध करना है।
अभेद कैसा सिद्ध करेंगे आगे जाके इसी विषय के ऊपर, क्योंकि स्मृति को भी यहाँ पर उदाहरण देने, यहाँ पर श्रुतिश्च स्मृतिभ्यश्च करके जो है दो भिन्न कर दिए, कुछ लोग जो है एक ही कर रहे हैं, तो स्मृतिभ्यश्च स्मृति भी कहती है इसको, क्या पूर्व प्राणिन, यहाँ सर्व शब्द जो है छूट गया है, अन्यत्र सर्व शब्द, अन्यत्र सर्वत्र जो है सर्व शब्द प्रयोग किया है, बाकी सब टीका में जो है सर्व शब्द प्रयोग किया है, और आपका जो सर्व प्राणिन गुहाशयस्य करके जो है टीका में भी सर्व शब्द प्रयोग कर रखे, इसलिए सर्व होना चाहिए वहां पर, पू प्राणिन सर्व गुहाशयस्य, हाँ तत्रैव सोपक्रम चांदोग्य वाक्यम पठति सदैव इति, इसी को जो है वहां पर चांदोग्य वाक्य में सदैव सौम्यम अग्र आसीत एकमेव द्वितीय करके जो उपक्रम से लेके उपक्रम सहित, मतलब षट जो शब्द वाक्य का तात्पर्य निकालने के लिए जो लिंग है वो षट लिंग को जो है प्रयोग करके, सो उपक्रम उपक्रम सहित है, मतलब षट लिंगों का तात्पर्य के निकाल के जो है एक ही स्थान में चांदोग्य में इसी विषय को जो है बताया गया है, ठीक है, मतलब किसको जीव प्रयो हो अभेद वही है, छह लिंगों से किसको सिद्ध किया है, इस सृष्टि को सिद्ध किया बात नहीं है, छह लिंगों से जो है यहां पर प्रकृति क्या है, जीव परयो हो अभेद प्रकृति भी नहीं है, पारम प्रकृत है, पारम प्रकृत जीव प्रमेय उसको सिद्ध करने के लिए जो है छांदोग्य उपनिषद प्रवृत्त कर रहा है, उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपत्तिश्च करके षड्विद तात्पर्य लिंग को लेके जो है सिद्ध करते हैं, स्मृतिभ्यश्च स्मृति भी इसमें प्रमाण है, क्या है पूर्व प्राणिना सर्व गुहाशयस्य, वहां पर गुहाशयस्य के पहले जो है सर्व शब्द जोड़ देने, समझी सर्व, हाँ पूर्व प्राणिन सर्व गुहाशयस्य आत्मैव देवताः न द्वारे पुरे समं सर्वेषु भूतेषु विद्यावनीय संपन्ने अविभक्तं भक्तेषु वासुदेवं वासुदेवः सर्वं इति इत्यादिभिः इत्यादिभ्यः एक एव आत्मा परम ब्रह्म सर्व संसार धर्म विनिर्मुक्तः त्वम् इति सिद्धं कर दिए सिद्धं, हाँ स्मृति में भी सिद्ध, क्या है पूहु प्राणिनः, पूहु पूहु मतलब शरीर, तो शरीर में जो स्थित है वो सब प्राणी, क्या है सर्व सर्व प्राणिनः गुहाशयस्य, सब प्राणियों का हृदय में जो है जो स्थित है वो परमात्मा, और क्या है आत्मा एव देवता, ये आत्मा ही वो परमात्मा ही क्या है यहाँ पर देवता है, तो वो कहाँ पर रहता है नवद्वारे पुरे देही, ओ नवद्वारपुर में जो है को कौन सा पू है नवद्वार पुरे, हाँ शरीर में रहता है, और सब शरीर में रहता मतलब आपका शरीर में जो है आप मनुष्य है मनुष्य के शरीर, और जो है वो हाथी के शरीर में थोड़ा ज़्यादा क्योंकि बड़ा शरीर है, और कुत्ते के शरीर थोड़ा क्योंकि वो थोड़ा सुअर कुत्ता थोड़ा नीचे वाला है इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा जो है नहीं रहता है, ये तात्पर्य नहीं होना चाहिए, इसलिए समम सर्वेश भूतेषु सब में जो, हाँ सब में बराबर एक समान जो है रहता है, और मतलब सब में, हाँ सब में सब में, अरे इतना जरूरत नहीं पूछने के लिए, विद्या विनय संपन्न गवीवा, तो वो कोई भी है विद्या विनय संपन्न जो महात्मा है उसमें या गाय में या हस्ती में जिसमें भी वो उतना ही समान रूप में रहता है, कैसा यह समान रूप में रह सकता है क्योंकि वह समान रूप में रहने का तात्पर्य क्या है अविभक्तम विभक्तेषु, ये जो पृथक पृथक दिखाई दे रहा है उसमें ये अविभक्त स्वरूप में है ये विभक्त नहीं हो रहा है इसलिए समान रूप है कहा है, समान रूप मतलब इसमें दो किलो उसमें दो किलो बरो ये बात नहीं है, तो ये जो है विभक्त नहीं हुआ है इसलिए सबके लिए सर्वसाधारण रूप से आधार रूप से ये रहता है ये तात्पर्य है, और कैसा वो रह सकता है क्योंकि ब्रह्म को छोड़ के यहाँ पर कुछ नहीं है उसको लेके उसको बता रहे हैं वासुदेव सर्वम इति, ये सब जो है वासुदेव, वासुदेव यहाँ पर क्या है ब्रह्म, ब्रह्म का एक शब्द मात्र, तो वो सब ये सब जो है ब्रह्म है इसलिए वो ब्रह्म क्या है वासुदेव क्या है विभक्त रूप में नहीं रहता है वो अविभक्त स्वरूप है, तो इसलिए वो सबका आधारभूत रहने के कारण जो है ऊंच नीच अधिक कम ये सब नहीं हो सकता है इत्यादि,
इत्यादि बहुत से श्रुति है। ये श्रुति का जो है संबंध करके जो है बता रहे हैं, एक एव आत्मा परम ब्रह्म, एक ही आत्मा जो है और वही क्या है परम ब्रह्म, और वही क्या है सर्व संसार धर्म विनिर्मुक्त है, और ये वो क्या है त्वम इति, वो क्या है तुम ही हो। तो वो एक ही आत्मा है, परब्रह्म है, और वही जो है सर्व संसार विनिर्मुक्त, जो बताए थे उसको एक वाक्य में जोड़ के बता दिए और बता दिए भी वो तुम है इति इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया। शुक्तुक्ते अर्थे स्मृति अपि आह, ये श्रुति जो बता रही है उसी तात्पर्य में स्मृति भी है, इसको कहने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। सर्व प्राणिनः गुहाशयस्य एकस्य एव आत्मनः, तो सर्व प्राणिनः गुहाशयस्य एक ही आत्मा जो है उसका आत्मा एव, एक ही आत्मा का जो है क्या है हु पुराणी शरीराणि, हु मतलब पुर मतलब ये शरीर, तो ये शरीर सब जो है वो एक ही आत्मा का जो है आधार पे स्थित है। न प्रति शरीरम आत्मभेदम, मतलब एक आत्मा ही इस सब में जो है रहता है, इसका इतना शरीर में एक आत्मा, हाँ प्रति शरीर नाना आत्मा जैसा जो है वह लोग सांख्यादि लोग मानते हैं वैसा यहाँ नहीं है। सांख्य जो है वो भी सांख्य लोग भी तो वैसे ही मानते, प्रकृति पुरुष प्रकृति को जो है भेद करके समझ लिया तो पुरुष ज्ञानी हो जाता है, वही तो मानते हैं, और तुम भी वही मानते हैं, हम भी वही, वो भी वही नहीं मानते हैं। उसमें क्या है वो कर्त भोक्तृ स्वरूप में जीव को मानते हैं, आत्मा को पुरुष को मानते हैं, और प्रतिशरीरम भिन्नम, तार्किक भी प्रतिशरीरम भिन्नम। तो यहाँ पर उसको निवारण कर रहे प्रतिशरीरम आत्मभेद न इत्यर्थ, हर एक शरीर में जो है आत्मा का भेद बिल्कुल नहीं है, एक एव आत्मा, एकस्य एव आत्मा, इसलिए कहे है एक ही आत्मा जो है सब शरीर में स्थित है। उदाहरत श्रुति स्मृत्यर्थम संकलय्य प्रकरणार्थम उपसंहृति, ये जो श्रुति और स्मृति का जो भी विषय है उसको संकलन करके ये जो प्रकरण का विषय है उसको जो है उपसंहार कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर जो है वेदांत का चर्चा चल रहा है, आपको वेदांत में रुचि है, ये जो है भागवत चल नहीं रहा है, यहाँ पर आप लोगों को वेदांत में रुचि है, हाँ ठीक है, क्योंकि वेदांत चल रहा है तो कहानी सुनने के लिए आ गए तो आपको निराशा हो जाएगा, ठीक है हाँ सर यदि ब्रूयात, ठीक है अभी जो है यहाँ क्या है त्वमिति सिद्धम कह दिए, ये तुमी हो, किसा प्रकार का है सर्व संसार धर्म वर्जित है, रो मत, तुम जो है सर्व संसार धर्म वर्जित है, मतलब ये पर ब्रह्म ये सब शब्द समझ में नहीं आएगा, सीधा हम लोगों को समझ में आने वाला क्या है सर्व संसार धर्म वर्जित, सर्व संसार के धर्म आपके अंदर है ही नहीं है, तो इसलिए तुम इति ऐसा तुम है ये सिद्ध हो चुका है। तब ये जो है चेला पूछ रहा है स यदि ब्रूयात, वो यदि पूछ रहा है, क्या पूछे ना यदि भगवान, मतलब भगवान नहीं है यदि भगवान, मतलब आप भगवान हैं तो ये बात नहीं है आप भगवान हैं तो ये बात नहीं है, भगवान आप जैसा बता रहे हैं वो बात तात्पर्य था, उनको बोलना था भगवान आप जैसा बता रहे हैं वो उनका तात्पर्य, मगर क्या है उसको पहला प्रश्न ही उलझ रहा है, अच्छा ऐसा है तो भगवान कह दिया उसने, भगवान ऐसा है तो कहने की जगह पे ऐसा है तो भगवान कह दिया, भगवान उनको जो है गुरु को ही यदि आप गुरु है तो बोल दिया उसने। अनंतर है अबाह्य है सबाह्याभ्यंतरो ह्यच है कृष्ण है प्रज्ञान घन एव सैंदव गणवत आत्मा सर्व मूर्ति भेद वर्जित है आकाशवत एकरस किमितं दृश्यते श्रूयते वा साध्यं साधनं वा साधकस्यति श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्धं वादी शत विप्रतिपत्ति विषय इति, बहुत बढ़िया। यदि भगवान ऐसा है तो भगवान एक बात बताइए, ये भी एक बात है बता रहा था मैंने, संस्कृत में जो है विषय कहीं भी हो सकता है उसको लेके आके समझना चाहिए, तो भगवान पहले यदि ऐसा है तो
मगर पहले क्या है, यदि भगवान है तो इसको जो है वो कंप्यूटर हो गया उसको भी। नहीं, कंप्यूटर जो है इसको भावांतरित अर्थांतरित करेगा तो आप भगवान है तो बोल के उसको कर देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भगवान, भगवान यदि आप जैसा कह रहे, क्या है अनंतर अबाह्य है, ये जो है अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है इसका, और सबाह्याभ्यंतरा चाह, ये बाहर भी है अंदर भी है। हाँ, उल्टा कह रहे हैं आप, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं कह रहे, और तुरंत बाहर सहित और अंदर सहित भीतर सहित दोनों जो है आप यही है। कौन है? जन्म रहित। जन्म रहित अंदर भी है बाहर भी है, मतलब ये है ही नहीं है मगर ये अंदर भी है बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है बाहर। कैसा कंफ्यूज करते हैं। कृष्ण प्रज्ञान, और अंतिम में क्या कह रहे, कृष्ण प्रज्ञान घन एव, ये सब क्या है, प्रज्ञान स्वरूप ही है, प्रज्ञान को छोड़ के कुछ नहीं है। तो सैंधव घनवत, एक कैसा है सैंधव घनवत, एक जो है मिट्टी का वो क्या नाम है, इसे नमक का जो है ढेरा है, तो उस ढेरा को जो है पानी में मिला दिया तो पानी पूरा क्या है, वही नमकीला है। तो वैसा जो है सर्वमूर्ति भेद विवर्जित है, ये मूर्ति भेद घन वैसा जो है सेंधा नमक जैसा जो है ठोस नहीं है, फिर भी सर्वव्याप्त है। अब उसमें तो जल में से जो है नमक थोड़ी पृथक कर सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं जल में जो जल को सुखाने से होता है वो दूसरी बात है, वैसे ही आम भी सुखा के समझना चाहिए आत्मा क्या है। तो यहाँ पर नहीं, दृष्टांत दृष्टांत में जो घट जाता है उसमें जैसा जो है एक घन एक देर को जो है आप पानी में डाल दिया तो पानी पूरा नमकीला हो गया, मतलब क्या है पानी पानी जो है वो नमक से व्याप्त हो गया है। जैसा पानी में वो नमक व्याप्त हो गया है वैसा ये सृष्टि पूरा जो है उस परमात्मा से व्याप्त हो गया, तो ये हाँ ओत प्रोत हो गया। तो ये क्या करेगा, कहेगा आधुनिक, हाँ कोई नहीं है, उसको सुखा दिया तो मुझे नमक मिल जाएगा ना, पानी तो छूट गया ना तुम्हें, कोई बात नहीं, जब नमक मिल गया ना वही तो कह रहा हूँ मैं भी, क्या है सुखा दो इसको भी। किसको सुखाना है, ये जो भी है यहाँ पर संसार जो दृश्य है जिसको तुम सत्य मानते हैं उसको सुखा दो। कैसा सुखा सकते हैं, उसमें सत्यत्व बुद्धि को निवारण कर दो, हो गया बात। उसमें जो सत्यत्व बुद्धि है उसको हटाना ही यहाँ पर उसको सुखाना है। तो कह रहे हैं ये जो बात क्या है, आकाशवत एक रस है, और उतना ही नहीं है, आकाश के समान जो है भेद नहीं है, मतलब जैसा वो जो हम लोग भिन्न भिन्न उसमें एक ही है बोल के बताए थे उसको एक और बार दोहरा रहे हैं बस, आकावत आकाशवत एक रस है, ठीक है। और ऐसा ये जो परमात्मा के बारे में बता दिए है, किमिदम दृश्यते श्रूयते वा, यहाँ तक जो है आप परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, ऐसा है परमात्मा वैसा है परमात्मा, है ना। अभी ये जो दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, मतलब श्रुति से जो मुझे अनुभव हो रहा है या यहाँ पर दूसरे से सुन के जो अनुभव हो रहा है और मुझे प्रत्यक्ष अनुभव जो हो रहा है दोनों, तो दूसरे से या श्रुति से और मुझे भी प्रत्यक्ष जो अनुभव हो रहा है वह किसके बारे में पूछ रहे हैं, साध्यम साधनम व साधकश्चेति। साध्य साधन लक्षण कोई संसार लक्षण बताए थे और यहां पर साधक रूप में मैं भी तो हूं, तो ऐसा जो है साधक साधन साध्य ये त्रिपुटी रूप में जो दिखाई पड़ रहा है श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्ध। हाँ अभी आ गया ना, ये क्या कह रहा है, मतलब ये मुझे अनुभव सिर्फ नहीं है, आप ऐसा मत समझ लीजिए, ये श्रुति में भी सिद्ध है स्मृति में भी सिद्ध है लोक में मात्र प्रसिद्ध नहीं है, मेरा अनुभव सिर्फ नहीं है, आपको जैसा जो है श्रुति स्मृति ही प्रमाण है, मेरे लिए क्या है श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्धम च, मतलब वो जो वो बच्चे जो है जो पत्ता खेलने के लिए नहीं जानते हैं तो तब क्या है, एक दो तीन तो जानते हैं उतना तो जानते हैं, तो काटना मतलब क्या है, हाथ में कुछ पत्ता निकाल लेते और जो है वो एक डाला है मैं दो डाल दिया तुम्हारा कट गया, अरे एक से दो कैसा कटा है, कट गया तो वो तीन कट डाला तो एक कट गया, तो ऐसा व्यवहार कैसा हो सकता है, वैसा ही ये भी कर रहा है, वो बचपना का जो खेल है वैसा ही कर रहा है। क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या था
श्रुति स्मृति, इसका अलग कोई प्रमाण था क्या? नहीं है। मेरे पास मेरा अनुभव, आपके अनुभव तो नहीं है ये, आपका अनुभव में भेद नहीं, इसलिए आप बदंती कह दिए हैं। तो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव को आप जो है भ्रांति युक्त कर दिए पहले ही, इसलिए मेरा अनुभव को मैं नहीं ले रहा हूँ। लोक लोक प्रसिद्धि श्रुति स्मृति, वो भी गुरु भी मान रहे हैं, श्रुति स्मृति मैं भी मान रहा हूँ, लोक प्रसिद्धि भी मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव लेके आएंगे तो फिर वापस बताएंगे भ्रांति भी हो सकता है बोल के। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, साधकस्य इति, ये जो त्रिपुटी है श्रुति स्मृति और लोक प्रसिद्ध है, तो इसलिए, और लोक प्रसिद्ध बात सिर्फ नहीं है, विप्राह बहुधा वदंती जो वाक्य है उसको लेके आके बता रहे हैं दूसरा ढंग से। बादी शत विप्रतिपत्ति विषय इति, क्या है वादी लोग, कितना लोग, शत सैकड़ों, तो सैकड़ों वादियों का विप्रतिपत्ति शब्द क्या, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान है, विप्रति मतलब विविधा, प्रतिपत्ति एक ही विषय के प्रति भिन्न भिन्न ज्ञान जब होता है उसको विप्रति कहते हैं। सब लोग एक सम्मत नहीं है, मतलब जो आप कह रहे हैं आत्मा ही है सब, कितना लोग स्वीकार करने वाले हैं, कितना लोग स्वीकार करने वाले, कोई नहीं है। तो क्योंकि आप स्वयं जो है क्या बताए हैं, वासुदेव सर्वमिति, आप स्वयं जो है वासुदेव का नाम लेके ही सिद्ध कर रहे हैं, ये जो है वो जो भक्त का मानसिकता है वो यही कहेगा, आप स्वयं जो है वासुदेव का नाम ही लेके ये ब्रह्म को भी सिद्ध कर रहे हो। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग यद्यपि स्पष्ट कर दिए वासुदेव है, वहाँ पर भगवान मधुसूदन भगवान जो है स्पष्ट कह दिए है वासुदेव यहाँ पर जो है वो परमात्मा को ही कह रहे हैं, क्योंकि बसति वसु निवासे वो धातु से जो वासुदेव का कैसा सिद्ध किए थे वहाँ पर, वसु निवास निवासे निवास अर्थ में, ठीक है, और उसमें वो कौन देवता, कहाँ पर, पुर में, इस सब पुर में जो निवास करने वाला वह है, तो वैसा करके परमात्मा को ही वासुदेव शब्द से सिद्ध किए थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं वादी विप्रतिपत्ति शत विप्रतिपत्ति विषय है ये, आप जो है ऐसा इसको सिद्ध करके जो है सिद्धम इति सिद्धम करके जो है फुल स्टॉप मत रखिए, दो फुल स्टॉप और लग के जो है उसको कहानी को आगे बढ़ाइए, क्यों ये इसमें बहुत विप्रतिपत्ति है। तो ये क्या कहता है देखिए, तदेवं तदेवं श्रुति स्मृति न्याय सिद्धे ब्रह्मात्म ऐक्यत्वे अभिहिते लौकिक वैदिक व्यवहार विरोधम शंकते। ऐसे ही जो श्रुति स्मृति और न्याय में शुद्ध न्याय के द्वारा, क्योंकि हम लोग जो है न्याय को भी लेके आए थे, तो हमारे पास भी तीन पत्ता है, तो इसलिए न्याय को भी लेके आए थे ब्रह्मात्म एकत्व अभिहिते, ये जो है हम लोग क्या सिद्ध किए, ब्रह्मात्म एकत्व को अभी सिद्ध कर दिए है, लौकिक वैदिक व्यवहार विरोधम, तो सिद्ध हो गया अभिहिते होने कहने के बाद, अभी ये शंका क्या कह रहा है, लौकिक और वैदिक जो है व्यवहार, व्यवहार लौकिक सिर्फ नहीं है, क्योंकि लौकिक सिर्फ को लेके आया तो आप कहेंगे वो भ्रांति सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि लौकिक में बहुत से जो है भ्रांति सिद्ध ही है, हाँ वो भी हो सकता है, तो इसलिए वैदिक व्यवहार वो भी यहाँ पर प्रमाण है, वैदिक व्यवहार भी प्रमाण है, तो उसको लेके आ रहे हैं, वैदिक भी प्रमाण है यहाँ पर, ये नया विषय नहीं है, आपको जो है यहाँ थर्टी सेवन में जो है पृष्ठ 37 में थर्टी सिक्स का जो है वो तीसवां जो उपदेश है उस उपदेश में यही बात किए थे, थर्टी सिक्स जो है पृष्ठ में तीसवां उपदेश है उसमें तस्मात् परिचित वेद तस्मात् इत्यादि करके जो है कर्मणाम तत्साधनानाम च यज्ञोपवीतादीनाम परमात्मा अभेद प्रतिपत्ति विरुद्धत्वात्, हाँ तो ये जो है संसारों ही कर्माणि विधीयन्ते, वो जो उत्तर दिए थे हम उसका जो प्रश्न के लिए, और अंतिम में जो है क्या बताए थे वो अंतिम शब्द को जो है मैं आकर्षित कर रहा हूँ, उत्तर दे चुके हैं उसको, क्या है, न वस्तुवृत्त्या भेद अपेक्षा कर्म विधेह इति, वो मुख्य यहाँ पर है, न वस्तुवृत्त्या भेद अपेक्षा, ये जो हम तुम जो है बता रहे हो भेद भेद भेद, लोक भी लौकिक भी और वैदिक भी व्यवहार सिद्ध कैसा होगा,
इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये वस्तु रूप में ये सही में रहने का तात्पर्य का जो है कोई जरूरत नहीं है, तो उसको लेके बता रहे क्या है। स यदि थी वो संगति है, गृह क्षेत्र देश कोशादिकम साध्यम, ये साध्य क्या है, साधन क्या है, तो उसके कह रहे हैं गृह क्षेत्र देश कोशादिकम साध्यम, तो ये क्या है, ऐहिकम लौकिकम दृश्यते, ये साध्य क्या है, यह लोके भव और परलोके भव दोनों जो है यहाँ पर हो सकता है। तो तत्साधनम च प्रतिग्रह सेवा विजय युद्धादि, उसको प्राप्ति करने के लिए जो साधन भी है, प्रतिग्रह सेवा विजय युद्धादि जो है साधन है। तत्साधकश्च तत्अर्थी वर्ग ब्राह्मणादि दृश्यते, उसका साधक कौन है, मतलब तुम जो बता रहे हो साध्यम साधनम साधकश्च इति, वो तीनों यहां पर है। साधन साध्य है ऐहिक लोक ऐहिक पारमार्थिक जो विषय है, और ऐहिक लौकिक जो परम यह लोहे बाबा ऐहिकम लौकिकम, हाँ ऐहिक ही बताए हैं यहाँ पर जो है, पारमा परलौकिक नहीं बताए हैं, इसलिए ऐहिकम लौकिकम को जो है पारलौकिकम वो लेना तात्पर्य लेना पड़ेगा, तो दोनों का जो एक ही अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्रश्न क्या था, लौकिक वैदिक शब्द प्रयोग किया, वैदिक भी प्रयोग किया है, इसलिए वहाँ पर लौकिक का तात्पर्य क्या है, परलोक। तो इति ये जो है विषय है, और तत्साधनम च उसका प्राप्ति करने के लिए जो है आप, या नहीं पारलौकिक को जो है अलग से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अहिकम लौकिकम ही जो है तात्पर्य लेना चाहिए। तो अहिकम लौकिकम ही है, और उसका प्राप्ति करने के लिए प्रतिग्रह सेवा विजय युद्ध आदि जो है भिन्न भिन्न कर्म करते हैं, और यहाँ पर जो है सेवा विजय आदि वहाँ पर आपको जो है जोतना हल जोतना ये सब भी जो है वहाँ पर कृषि इत्यादि भी ले लेना चाहिए। तत्साधकश्च तत्अर्थी वर्ग, उसका साधक क्या है, उसका जो प्राप्ति करने का इच्छुक है कौन है, ब्राह्मण आदि सब मनुष्य मात्र है। तो तथा वैसा ही क्या है, साधि साधन साधक उसको बता रहे हैं, यागादि साधनम स्वर्गादि साध्यम तत्कामश्च साधकः इति पारलौकिकमपि, तत्कामश्च होना चाहिए, देखते हैं। तो तथा यागादि साधनम वैसा ही क्या है, जैसा यह लोक में है ऐहिक लौकिक विषय में जो है, वैसा ही जो वैदिक भी है क्या है, याग आदि साधन है, और स्वर्ग आदि उसके द्वारा साध्य है, और उसका जो कामी है वही साधक है। इति पारलौकिकम अभित्रिकम श्रूयते, तो ये तीन लौकिक है तो कम से कम जो है आप निराकरण कर सकते हैं, अरे ये सब कुछ नहीं है वो मिथ्या बता दिया ना मैंने बोल के, मगर पारलौकिक भी वेद भी इसको सिद्ध करता है, इसलिए आप ऐसा उसको आसानी से निराकरण नहीं कर सकते। तो बेमतलब क्यों जो है वेद मुझे सिद्ध करता है ऐसा एक लोक है बोल के, तो पारलौकिकम त्रिकम श्रूयते स्वर्ग काम यजेते इत्यादि एवं आदि इत्यादि। तो स्वर्ग काम यजेते इत्यादि जो है बहुत से वाक्य है जो स्वर्ग के बारे में बताने वाला वाक्य है, तो वेद भी सिद्ध कर रहा है और लोक में भी जो है गर्भग्रस्त घर आदि विषय को जो है हम लोग इच्छा करके उसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो ये दोनों को लेके वो जो बात कहेंगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।